हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आटा बैग से ग्रो बैग बनाना आपको बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। इसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। ये हमने एक 10 kg का आटा बैग लिया है और एक 5 kg का आटा बैग लिया है। तो वैसे तो आप इसको ऐसे ही ग्रो बैग बना सकते हैं, बस इसको पलट देना होगा जिससे ये वाइट कलर में एक ब्यूटीफुल प्लांटर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे दो तरफ, उससे क्या होगा, ये जो पॉट बनकर तैयार होगा, ग्रो बैग बनकर तैयार होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा नहीं। क्योंकि अगर आप इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये एक तरफ मिट्टी भरने के बाद ढलकता रहता है, तो बाद में आपको इसको सपोर्ट देना होता है किसी ईंट से, या फिर कुछ आपको साइड में रखना होता है, या फिर दूसरे पॉट्स के आपको बीच में इसको रखना होता है। लेकिन जब आप ये सिलाई लगा देते हैं इसमें, तो ये एकदम जैसे मार्केट वाले ग्रो बैग्स आते हैं बिल्कुल ऐसा रहता है और गिरता नहीं है। तो इसको आप जो ये ग्रो बैग है, जो ये आटा बैग है, इसको सीधा रखिए और इस तरह से यहाँ पर एक तरफ इस साइड और एक तरफ इस साइड, आपको दो तरफ इसमें सिलाई लगानी है। आप सिलाई मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं ये काम, और सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक इसको सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा, तो ये जो पॉट है, जो ग्रो बैग बनकर तैयार होगा, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। तो यहाँ पर और दूसरी तरफ, बस दो जगह आपको इसमें सिलाई लगानी है। एक तरीका तो ये होता है, ये सबसे आसान तरीका है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप जितनी कम सिलाई लगाएंगे उतना कम स्पेस पॉट में रहेगा, और जितनी ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो वो पॉट जो है ज़्यादा चौड़ा बनता है, ज़्यादा अच्छी उसकी चौड़ाई बन जाती है। तो यहाँ पर हम लगभग ये 5.5 inch के करीब इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। अगर आप थोड़ा कम लगाएंगे तो वो छोटा रहेगा, कम जगह रहेगी, और थोड़ा बड़ा रहेगा, जो कि बनने के बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह लॉक लगाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। लॉक लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर यहाँ से धागा खुला हुआ रह जाएगा तो वो बाद में अपने आप ही टूट जाता है, तो वो सही नहीं रहता है और पॉट फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा, जो एक ग्रो बैग है पहले जैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह के जो पॉट होते हैं, जो ग्रो बैग्स होते हैं, ये आपके लगभग 1 साल तक चल जाते हैं। जो ये आटा बैग आते हैं, ये 1 साल तक इजीली किसी भी प्लांट, आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं, या फिर जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं, पालक है, टमाटर है, धनिया है, इसमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट भी ग्रो हो जाता है। हम अक्सर इनको एक्स्ट्रा प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा बल्ब हो गए, जो कि हमने फुटबॉल लिली में भी आपसे शेयर किया है, तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो जो एक्स्ट्रा इसका ये पोर्शन है, इसको कट कर देते हैं। आप इसमें रहने भी दे सकते हैं, अगर नहीं भी कट करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमने ये कट कर दिया है। और अब इसको पलट देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो देखिए जो वाइट साइड है वो सामने आई है, और ये बिल्कुल एक मार्केट जैसा ग्रो बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो चौड़ाई है, इससे बता रहे थे हम पीछे कि अगर आप ये कम रखते हैं तो ये चौड़ाई कम हो जाएगी, इसका जो नीचे वाला इसका पार्ट है, बॉटम पार्ट जो है, ये थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप थोड़ी कम इसमें सिलाई रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो ये ज़्यादा चौड़ा रहेगा। एक इसमें दूसरा आता है जिसमें नीचे का जो पोर्शन होता है, गोल पोर्शन अलग से कट किया जाता है और उसमें सिलाई लगाई जाती है, लेकिन वो थोड़ा मेहनत पड़ जाती है उसमें। ये सबसे आसान तरीका है, सिर्फ दो तरफ आपको सिलाई लगानी है। ये जो अभी 5 kg वाला बैग आपसे शेयर किया, ये 10 kg वाला बैग है, तो ये थोड़ा फट गया है, तो इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। बाकी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं ऊपर से, अगर आप इसका हैंडल टाइप बनाना चाहते हैं। तो जो मार्केट के ग्रो बैग आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, जब आप ऑनलाइन लेते हैं या मार्केट से लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बन गया ना मार्केट जैसा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके क्वेश्चन ये रहेंगे कि कितने टाइम तक चल जाएगा, तो ये कम से कम 1 साल तक बहुत अच्छे से इसमें कोई भी प्लांट आप लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहेगा, ड्रेनेज होल कहाँ होंगे। तो ड्रेनेज होल करने के लिए आप इस तरह से जगह जगह पर कट लगाइए, ये आप साइड में लगाइए, यानी कि बिल्कुल इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर नहीं लगाना है, उस पर भी लगा सकते हैं लेकिन साइड में ज़रूर लगाइए आप, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इससे जो बारिश का पानी भी होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, और कभी भी प्लांट ओवर वाटरिंग से नहीं मरेंगे। बाद में नीचे की तरफ भी हम 2 holes बना देंगे। तो इसमें आप कोई भी सब्जी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस हार्डी प्लांट ग्रो मत कीजिए, या फिर ऐसा प्लांट मत लगाइए जो पूरे साल चलता है या काफ़ी सालों तक बने रहते हैं, वो प्लांट मत ग्रो कीजिए। कोई भी सब्जी आप ग्रो कर सकते हैं, या ऐसे सीजनल प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं तो वो ईजिली ग्रोथ कर लेते हैं, या एक्स्ट्रा बल्ब वाले प्लांट हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।